सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं का सही क्रम बताएं। यहाँ पर जो रचनाएं हैं वो हैं पल्लव, युगवाणी, स्वर्ण धूली, उत्तरा और अतिमा। इस प्रश्न को भी करने के लिए हमें यह देखना होगा कि पंत की रचनाओं का क्रम क्या है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, इस पर चर्चा करते हैं। पंत जी ने चार तरीके की रचनाएं की। पहला छायावादी, दूसरा प्रगतिवादी, तीसरा अंतश्चेतनवादी और चौथा नवमानवतावादी। सबसे पहले हम देखते हैं छायावादी, इनकी रचनाएं ये हैं उच्छवास, ग्रंथी, वीणा, पल्लव और गुंजन। अब इसका समय भी देख लेते हैं। उच्छवास का समय है 1920 ईस्वी, ग्रंथी का समय है 1920, वीणा का समय है 1927 ईस्वी, पल्लव का समय है 1928 ईस्वी एवं गुंजन का समय है 1932 ईस्वी। अब हम देखेंगे प्रगतिवादी इनकी रचनाएं, ये हैं युगांत और युगवाणी। युगांत का समय है 1936 एवं युगवाणी का समय है 1939 ईस्वी। इन दोनों के अलावा एक और रचना है, वह है ग्राम्या एवं इसका समय है 1940 ईस्वी। अब हम देखेंगे अंतश्चेतनवादी रचनाएं, ये हैं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली एवं युगपथ। स्वर्ण किरण का समय है 1947 ईस्वी, स्वर्ण धूली का समय है 1947 एवं युगपथ का समय है 1949 ईस्वी। आखिरी में हम देखते हैं नौ मानवतावादी रचनाएं, ये हैं उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन एवं चिदंबरा। उत्तरा का समय है 1949 ईस्वी, अतिमा का समय है 1955 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद का समय है 1959 ईस्वी, लोकायतन का समय है 1964 ईस्वी एवं चिदंबरा का समय है 1968 ईस्वी। ध्यान दें कि चिदंबरा के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। हिंदी में पहली बार अगर किसी को ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ है तो वे हैं सुमित्रा नंदन पंत और उनकी रचना है चिदंबरा। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। यह है पल्लव, युगवाणी, स्वर्ण धूली, उत्तरा और अतिमा। अब इसका समय हम निकालेंगे। पल्लव का समय है 1928 ईस्वी, युगवाणी का समय है 1939 ईस्वी स्वर्ण धूली का समय है 1947 ईस्वी, उत्तरा का समय है 1949 ईस्वी एवं अतिमा का समय है 1955 ईस्वी। यह बिल्कुल सही क्रम में हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा विकल्प क सही होगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का सही क्रम बताएं। आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, सभी नचावत राम गोसाई और तीन वर्ष। इसमें भी हमें सही विकल्प निकालना है कि कौन सा क्रम सही होगा। सबसे पहले देखते हैं
कि इसका समय क्या है। आखिरी दाव का समय है 1950 ईस्वी, भूले बिसरे चित्र का समय है 1959 ईस्वी, सभी नचावत राम गोसाई का समय है 1970 ईस्वी एवं 3 वर्ष का समय है 1936 ईस्वी। अब हम देखेंगे कि इसका सही क्रम कहां पर है, यानी कि सबसे पहले हमें दिखता है 3 वर्ष। हम देखेंगे कि 3 वर्ष घ विकल्प में सबसे पहले आता है, उसके बाद है आखिरी दाव, यह भी इसके बाद आ रहा है, उसके बाद है भूले बिसरे चित्र, यह भी घ विकल्प में हमें बिल्कुल सही मिल जा रहा है, और आखिरी है सभी नचावत राम गोसाई। अब हम इसका विषय भी देख लेते हैं। 3 वर्ष में प्रेम का विवाह में परिणति दिखाया गया है। आखिरी दाव में एक जुआरी की असफल प्रेम कथा दिखाई गई है। भूले बिसरे चित्र में 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्य में परिवर्तन की कथा है, और सभी नचावत राम गोसाई में सन 1919 से 1965 तक के इतिहास का चित्रण है। हमारा विकल्प यहाँ पर घ सही होगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 8, नामवर सिंह चिंतामणि के किस भाग के संपादक हैं? सबसे पहले तो देख लीजिए कि चिंतामणि यह क्या है। यह एक निबंध संग्रह है, और यह निबंध संग्रह किसका है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चिंतामणि के 4 भाग आए हैं, कौन सा भाग कब आया है यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। भाग 1 आया है 1939 में, भाग 2 आया है 1945 में, भाग 3 है 1983 में, और भाग 4 है 1902 से 1939 तक की प्रकाशित निबंध। ध्यान दें कि चिंतामणि का भाग 1 सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में विचार विधि नाम से आया था, किंतु इस नाम से यह 1939 ईस्वी में आया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं इसके संपादक हैं। भाग 2 के संपादक हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। भाग 3 के संपादक हैं नामवर सिंह, और भाग 4 के संपादक हैं कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह। इस तरीके से हम देखते हैं कि नामवर सिंह भाग 3 के संपादक हैं, इसलिए हमारा विकल्प ग सही होगा। भाग 1 से पंक्तियां पूछी जाती हैं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। जैसे कुछ निबंध भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, घृणा, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लोक मंगल की साधनावस्था आदि से पंक्तियां यहाँ पर पूछी जाती हैं। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न 9, रस निष्पत्ति के संदर्भ में सही क्रम चुनें। भुक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, अभिव्यक्तिवाद। यहाँ समय से आधारित प्रश्न नहीं है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन सा सिद्धांत आया, भुक्तिवाद आया, उत्पत्तिवाद आया, या इनमें से ये दोनों आए। सबसे पहले हमें यह देखना है कि कौन सा सिद्धांत पहले है। सबसे पहले आया था उत्पत्तिवाद, और यह सिद्धांत था भट्ट लोलट का, जिसमें भट्ट लोलट ने यह कहा था कि रस की उत्पत्ति मूल नायक में होती है। दूसरा सिद्धांत है अनुमितिवाद, और यह दिया हुआ है श्री शंकुक का। शंकुक ने कहा कि हम रस का अनुमान करते हैं, और यह अनुमान अनुकर्ता में किया जाता है, न कि अनुकार्य में। तीसरा सिद्धांत था भुक्तिवाद का,
भुक्तिवाद का सिद्धांत दिया है भट्ट नायक ने, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने काव्य के तीन व्यापार माने, पहला अभिधा, दूसरा भावकत्व और तीसरा है भोजकत्व। इसी भावकत्व व्यापार से साधारणीकरण आया है, इसलिए यह भुक्तिवाद महत्वपूर्ण है। और चौथा सिद्धांत था अभिव्यक्तिवाद का, और यह सिद्धांत दिया है अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त कहते हैं कि न तो रस की उत्पत्ति होती है, न ही उसका अनुमान किया जा सकता है और न ही उसका भोग किया जा सकता है। रस की अभिव्यक्ति होती है, रस हमारे में यानी कि सामान्य मनुष्यों में पहले से विद्यमान होते हैं। जो व्यक्ति जैसा दृश्य देखता है या जैसा सुनता है उसमें वैसी रस की उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि वह उसे अभिव्यक्त करता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि सबसे पहले था उत्पत्तिवाद, हमें दिखता है ख विकल्प में सबसे पहले, उसके बाद है अनुमितिवाद, अनुमितिवाद भी इसके बाद है भुक्तिवाद, और फिर अभिव्यक्तिवाद। इस तरीके से हमारा विकल्प ख सही होगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। पेरी इप्सुस किसकी रचना है? कॉलरिज, अरस्तु, लॉन्जाइनस और वर्ड्सवर्थ। सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि किसका कौन सा सिद्धांत है। कॉलरिज का सिद्धांत है कल्पना का सिद्धांत। अरस्तु का तीन सिद्धांत है, अनुकरण, त्रास्ती और विरेचन। लॉन्जाइनस का सिद्धांत है उदात्त का सिद्धांत या औदात्त्य का सिद्धांत। वर्ड्सवर्थ का सिद्धांत है काव्य भाषा विषयक सिद्धांत। अब हम देखते हैं कि पेरी इप्सुस का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है उदात्त, यानी कि लॉन्जाइनस का उदात्त, इससे संबंधित है पेरी इप्सुस। पेरी इप्सुस की भी चर्चा कर ली जाए। पेरी इप्सुस का सर्वप्रथम अंग्रेजी रूपांतर जॉन हॉल ने सन 1652 ईस्वी में ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस नाम से किया था, और फिर इसका हिंदी में अनुवाद हुआ उद्दात के नाम से। यह यूनानी नाम है पेरी इप्सुस। इसका अंग्रेजी में अनुवाद अगर हम देखें तो यह है ऑन द सबलाइम। यह भाषण शास्त्र का एक ग्रंथ है। हमारा विकल्प ग यहां पर सही होगा। इस तरीके से हमने 10 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है, और आशा करती हूं कि यह 10 प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे।